आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल चावल की खीर की रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इस स्पेशल खीर की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाफ कप राइस, हाफ के जी मिल्क, कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए और 1 कप शुगर। सबसे पहले हम दूध को अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध तली में ना बैठे और ना ही इसमें किसी तरह मलाई जमे। जब दूध थोड़ी गाढ़ी होने लगे तब हम इसमें चावल को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने चावल 1/2 कप चावल लिया है जो कि साफ धुले हुए चावल हैं और इसे मैंने कुछ देर के लिए भिगो दिया था। अब हमें इसी तरह से चलाते रहना है कंटिन्यू 10 से 15 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसे और हर 5-5 मिनट पर इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे। इसे तब तक चलाना है जब तक कि चावल और दूध आपस में मिल ना जाए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप यहाँ पे अपने पसंद का भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और हम इसे चलाएंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से अगर आप खीर बनाएंगे तो आपकी खीर वाकई टेस्टी बनेगी। तो अब हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं और हम इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सब कुछ अच्छी तरह से इस खीर में मिल जाए। ये देखिए अब हमारे खीर से अच्छी खुशबू आ रही है। इसका मतलब है हमारी खीर अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ढक्कन से 10 मिनट तक के लिए इसे ढक देंगे। ये देखिए हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारे इस खीर की रेसिपी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर